मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और यूपी के बाद गुजरात में भी पद्मावती के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को अभी सेंसर ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन उसकी बैन को लेकर घोषणाएं जारी हैं। इस कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि आपत्तिजनक सीन हटाने से पहले राज्य में फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इसके कारण खराब हो रही है, और जब तक ये चर्चास्पद विवादास्पद जितने इश्यूज पद्मावती के वो खत्म ना हो, उसके बाद हम जरूर चर्चा देखेंगे बाद में। अभी हम गवर्नमेंट ने ये सब सूचना दी है और गवर्नमेंट उस दिशा में होम डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर नी सिचुएशन छे એટલે એ સિચ્યુએશનના સંદર્ભમાં આ કાર્યવાહી માટે ચોક્કસ ત્યાં જશે અને કાર્યવાહી થશે। અભી તો અભી ચુનાવ કો ભી નહીં ચુનાવ તક નહીં મેને બતા જબ ભી ઇશ્યુ ખતમ હોંગે બાદ મેં સોચેંગે અભી જબ તક ઇશ્યુ હૈ તબ તક યે રિલીઝ નહીં હોગા। पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज की जानी थी, लेकिन कागजात में कमी की वजह से सेंसर ने निर्माताओं को फिल्म लौटा दी है। पद्मावती फिल्म को लेकर राजपूत और करीनी सेना लगातार विरोध कर रही है। इस खबर पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।